30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले अवर अधीनस्थ सेवा सामान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा की तैयारी बैठक एडीएम सिटी की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में परीक्षा के नोडल अधिकारी सहित सभी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक मौजूद रहे। बैठक में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और गौरतलब है कि अवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को महानगर के 19 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, सभी 8 सीरीज की आयोग की वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर लोड कर दी जाएगी। चाहे जैसे डबल ए सीरीज की है या बीए सीरीज की है या सीए सीरीज की है, तो वो तीनों सीरीज की बुकलेट 8 सीरीज में आपको नेट पर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगी और कैंडिडेट वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं और आंसर शीट भी लोड हो जाएगी। सील होकर फर्स्ट रैंक में फर्स्ट बॉक्स में जाएगी। अब कोई कंफ्यूजन हो या आप चाहे किसी व्यवस्था नाम आयोग आयोग करने किया जा सके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, आज वो कर ले उस समय को बोर्ड कर लेंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट बोर्ड कर ले, उनकी मीटिंग में समय से उपस्थित हो जाने है और सपोर्टिंग स्टाफ को ये भी निर्देश है कि जो टॉयलेट्स हैं मेल फीमेल के लिए अलग अलग होंगे और उन टॉयलेट्स पर भी कोई आपका एक्टिव कर्मचारी वहां पर रहेगा जो ये देखेगा कि कोई बुकलेट लेके टॉयलेट में ना जाए या ओएमआर सीट लेके वहां ना निकल जाए, तो इस चीज का भी आपको प्रिकॉशन अपनी तरफ से लेना है। इन्विजिलेटर भी इंटीग्रिटी वाले रखने। दूसरा, कोई भी स्टाफ अगर परीक्षा परीक्षार्थी से संबंधित रिलेशन में है तो उसका रिलेशन सर्टिफिकेट लेके आपको रखना है और अगर उसी सेंटर में कोई कैंडिडेट ऐसा आता है तो आयोग के रिप्रेजेंटेटिव गुरु शरण जी का नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये परीक्षा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को गोरखपुर जनपद में संपन्न हो रही है। इस परीक्षा के 19 केंद्र हैं और 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा TCS एजेंसी इस परीक्षा को करा रही है, उसके हर केंद्र पर एक सेंटर मजिस्ट्रेट सेंटर मैनेजर है और परीक्षा के जो बॉक्सेस हैं सील्ड वो कन्वेंशन सेंटर यूनिवर्सिटी में ट्रेजरी का एक रूम गठित करते हुए जिलाधिकारी के आदेश से वहाँ सुरक्षित रख लिया गया है सारा मटेरियल और वो 30 तारीख की सुबह और 30 तारीख की दोपहर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी प्रकार 1 तारीख की सुबह 6 बजे से और दोपहर में 11 बजे के आसपास से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हाँ, गोरखपुर में 12,662 परीक्षार्थी इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कितने ये 2 पालियों में 30 तारीख को भी परीक्षा है और 1 तारीख को भी 2 पालियों में परीक्षा।